आलगराज दबीते बारिपदा को दुलदुल हरपन हला उड़ीसा पनत मयूरभ जिले बारिपदा कलेक्टर ऑफिस रे बांगरे हो मड़ेगेल हजार हड़ा जमेलाय तलाते बारिपदा कलेक्टर ऑफिस रे जुदे मयूरभंज पनत दाबी साकाम को चालाकादा आयुर्वेदय तहेकाना पेशा को मोटरन सूत्रे भंजकुल मानतान पांडुराम हेम्ब्रम चलेन खान बारिपदा रिया ओना जमेलाय से रांगावना मिछिल रे तहेकान आयुरिये को चेत को मेन केदा आजम लेके बन बारिपदा खन जगदीश मुर्मा रिपोर्ट उतला ब्लॉक ब्लॉक प्रेसिडेंट जिला पेशा कोऑर्डिनेशन एक ना कमेटी है जगह नवा बखरा ले जा कनादे जे नहा दन भन दिसम जहा लेके की आलिया पोइलो ओकाल का राज्य ताहे कना ऑन का गाले रोड ले पे ओटे हटे के तन नेता मंत्री शासन जा पे चलू का प्रदेशम हटे कते प्रदेशम दा लेके रोड ले पे भन दिसम तो आलिया कना मूल बसी आदिवासी नागाम ओकाल का ताहे कना ऑन का गाले सरकार बाय आंजोमा एन खान जदी बाय आंजोमा रंग का के नो मिचिल बारंबार दबी हुईवा बाय आंजोमा चेदा ताहे कना मयूरभंज स्टेट ताहे कना मयूरभंज नवा लड़े तहना मी लाख एबव हल लगे मिचिल जो सेलेडा जो सामान आदिवासी जिला पेशा कोऑर्डिनेशन कमिटी पाटा खन जो सेलेद नोड़े मे जाओसेरमा लेखाके नेसो झारखंड पनत जिलिंडार जांगबाहा तुपुनघाट राजरापारे दासाय जादो कुनमी हिलो बंगाबुरु देवासेवा कामी होइसे तेना एनलो जुदे जुदे दिसमरेन धर्मगुरु को बंगाबुरु देवासेवा कामी लेते बिनती कथा को लैसे दरकिदा ओना बंगाबुरु अखाड़ारे मारामपेड़ा लेखाते सेटेर तहेकना झारखंड सरकारेन कल्याण मंत्री मानतान चम्पई सोरेन मननपेड़ा लेखाते सेटेर तहेकना मानती ममता मुर्मू एमएलए रामगढ़ विधानसभा साथे आड्डी सांगे धर्म दुलड़िया को चलो एनखान ओंडेना मिट झलक बन नेल लगे महामाला से सरहावे मावर विधायिका श्रीमती ममता मुर्मू ममता देवी आप क्या करेंगे कि मुर्मू बन जाएंगे मैडम तो क्योंकि मुर्मू आप और इनके बीच में आई है हेलो अभी भी हमारे सरना सभा के मुख्य अतिथि पधार चुके हैं इनका माल्यार्पण किया जा रहा है सरना सभा में इसका हार्दिक शुभकामनाएं और
धन्यवाद कीजिए जो हमारे शंकर सरना सरना धर्म को शंकर करवाने जी को आज हमारे संतुलित करने का प्रयास किए शंकर और शंकर करमाली जी का भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं इस सरना सभा में हार्दिक अभिनंदन आपको। आज हम लोग को इसको तो आप लोग विषाहर बोलते हैं लेकिन हम लोग चेलागुड़ बोलते हैं। आप लोग इसका नाच गान देख लीजिए और आप लोग आए वही सौहार्दपूर्ण है। आप लोग आए तो बहुत बड़ी मुसीबत तो नहीं लाए लेकिन एक चीज हम बोलेंगे माता को साथ लेके आए। इसके चलते थोड़ा सा हम समय लेंगे श्रीमती ममता देवी से सौहार्दपूर्ण इस सबसे पहले मंचा से आज के इस सरना समिति के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हमारे रामगढ़ जिला के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय ममता जी, साथ में हमारे बड़े भाई शंकर जी, बिरसा जी, हमारे झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के रामगढ़ जिला प्रभारी ओम प्रकाश मांझी जी, मांडू प्रखंड प्रभारी अधिकार का पता दिया जा रहा है। नंबर दो, बड़ा अधिकार कानून का धारा 3(1) का उदाहरण भाव में लिखता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी जिस गांव में रह रहे हैं उस गांव के वन क्षेत्र सीमाना के साथ जो भी प्राकृतिक संसाधन है फल फूल कंद मूल जड़ी बूटी मिट्टी मोरा बालू पत्थर खड़ी संपदा उस संसाधन का मालिक हमारा ग्राम सभा। हम लोग जिस जगह पर हैं आज से 3 साल पहले इस जगह पर आज हम लोग नहीं होते। अगर यहां हमारे झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के लोग नहीं होते तो आज हम लोग यहां पर नहीं होते। यहां हेलीपैड बनता कितना करोड़ का प्रोजेक्ट था, 2200 करोड़ का प्रोजेक्ट यहां बनता और यहां जितना देख रहे हैं ये आदिवासी भवन है लेकिन वहां आदिवासी हैं। ये भवन चंपाई सोरेन जी का दिया हुआ है, ये आदिवासी के नाम पर ये भवन बना है, राज्य सरकार के फंड से बना है लेकिन क्या वहां आदिवासी लोग हैं वहां क्या लिखा हुआ है पढ़ के देखिए। हमारे साथ क्या करा बड़ा अन्याय हो रहा है। यहां 2200 करोड़ का प्रोजेक्ट था या हेलीपैड बनता या 56 आदिवासी परिवार के लोगों को घर से बेघर किया जाता उसका जिम्मेदार कौन है? मंच में जितने भी लोग उपस्थित हैं मैं सबसे यह पूछना चाहता हूं इसका जिम्मेदार कौन है? आज यहां तो 56 आदिवासी परिवार या मूलवासी परिवार के लोग जिनका यह जीविका चल रहा है जबकि केंद्र सरकार ने फॉरेस्ट राइट एक्ट अधिनियम 2006 के तहत ये कानून बना करके दिया है कि अनुसूचित क्षेत्र पर जो व्यक्ति मकान बना करके रह रहे हैं जहां से जिनका जीविका चल रहा है या जिस वनभूमि पर जो आश्रित है उसको वन अधिकार कानून के तहत उस परिवार को व्यक्तिगत अधिकार का पट्टा दिया जा रहा है, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत उसको अधिकार दिया जा रहा है। लेकिन आज तक आज लगभग 3 साल हो चुका लेकिन मैं